ऑफ गुस्ताफ द ग्रेट। अस्सलाम वालेकुम, ईद का समय में हाफिज मोहम्मद इमरान आप सबको जोर का जोर स्पेशल में खुश आमदीद कहता है। दुनिया भर में आज जहाँ जहाँ भी हमें देखा जा रहा है, आप सबको ईद की खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह ताला आपको ऐसी बहुत सी ईदें देखना नसीब करे और ये ईद आप सबके लिए खुशियों का पैगाम लेकर आए। और आपकी ईद की खुशियों को दवाला करने के लिए हम भी आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के वो लोग जिन्होंने मुख्तलिफ खेलों में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, मौसीकी में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और आपकी आपके जहनों में उनके हवाले से बड़ी अच्छी यादें मौजूद हैं और जो कि आने वाले दिनों में भी रहेंगी और ये मुंतकिल होती रहेंगी आने वाली नस्लों तक भी। आज वो तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होंगे, अपनी ईद की खुशियाँ कैसे ईद मनाते रहे हैं वो आपके सामने बयान करेंगे और यकीनी तौर पर आपकी ईद अच्छी गुजरेगी। मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान ने जो आखिरी मरतबा हॉकी में अगर कुछ जीता है, जो बड़ा जीता है या दुनिया को जीता है, तो वो उनमें एक बड़ा अहम नाम है उस टीम का, ओलंपियन ताहिर जवान साहब। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। वालेकुम सलाम साहब, आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आपको बहुत बहुत ईद बहुत बहुत शुक्रिया। नदा परवेज, जब आप इनको देखते हैं मिलते हैं तो आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान में खवातीन लड़कियाँ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको उनको घर के कामों में नहीं देख सकते, वो बहुत अच्छी बॉक्सिंग भी करती हैं। नदा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। जी जी, खैर मुबारक। नेशनल चैंपियन आप रही हैं और आप बॉक्सिंग में पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, आपका बहुत शुक्रिया। तैयब रजा आवान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये मेरा ख्याल ईद वाले दिन भी अखाड़े ही जाते होंगे। तैयब साहब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। और सजाद ताफू साहब, आपने तो प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। किरण वसीम साहब सिंगर हैं हमारे साथ हैं। बजाय इसके कि मैं मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, मैं कहूँगा ईद के मौके पर अगर आपसे ये पूछा जाए, एक तो आपको ईद मुबारक भी है, कि क्या अच्छा है जो आप सुनाएंगे यहाँ पर बैठे वो लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो हमें इस वक्त टेलीविज़न पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उनकी ईद अच्छी सी हो जाए, को अपनी सुरीली आवाज़ में क्या सुनाएंगे? बिल्कुल, मैडम नूरजहाँ का कुछ सुना देती हूँ। हाँ, क्योंकि मेरे ख्याल से सुनाइए, उनसे बेहतर सुनाइए। शायद मैं जस्टिस ना कर पाऊँ, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। निसारे साधा निरे सा केंदे ने नैना तेरे कोल रे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ताहिर साहब, ईद है जी जी, ये हॉकी ने भी कोई खुशी देनी है या नहीं देनी है? कोशिश तो सारे ही कर रहे हैं, लेकिन लंबा इंतज़ार हो गया है। अच्छा। खुशी का इंतज़ार करते करते उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह, ये जो ईद के बाद वाले सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं, नेशन कप खेलना है उन्होंने और उसके अलावा एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है, अजलान शाह में खेलेंगे, उनसे कोई बेहतर शुरुआत हो जाए ईद के बाद, यही उम्मीद कर सकते हैं। जब आप हॉकी खेला करते थे और पाकिस्तान से बाहर भी यकीनी तौर पर बहुत सारा वक्त आपका गुजरा होगा ईद के दिनों में भी, तो आज तो खैर चूँकि पाकिस्तान की हॉकी वैसी नहीं है, उन दिनों में ईद अगर आपको याद पड़ती है, पाकिस्तान से बाहर थे, लोगों की जो मोहब्बत थी वो कैसी थी और लगता था कि पाकिस्तान से बाहर हैं? मैं ये कहूँगा कि जो कुछ यादगार ईदें हैं हमारी पाकिस्तान से बाहर गुजरी हैं, उनमें बड़ा प्यार मिला पाकिस्तानियों से, क्योंकि अगर बाहर गुजरी हैं तो उसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि हम कोई ना कोई टूर्नामेंट खेले हुए थे और बड़े यादगार दिन थे हमारे लिए, क्योंकि वहाँ पे अपनी कम्युनिटी के अंदर, मुल्क से दूर, अपनों से दूर, लेकिन वहाँ पे इतना अपनाइत का एहसास देना,
जो पाकिस्तानी है मुल्क से बाहर, उनके साथ ईद का सेलिब्रेशन करना और खाने पीने वाले सारे वही माहौल, उन्होंने कोशिश की कि हमें महसूस ना हो कि हम दूसरे मुल्क में हैं, खेलने आए हुए हैं और घर वालों से दूर हैं, तो ईद का मज़ा नहीं उठा सकेंगे। उन्होंने पूरी कोशिश करके हमारा साथ दिया, यानी कि एक फैमिली नहीं, डिफरेंट फैमिलीज जो हैं वो बाकायदा दावत करती थी पाकिस्तान टीम के लिए, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन, जैसे ईद के तीन दिन हम यहाँ गुजारते हैं वैसे ही लोग वहाँ पे भी हमारी बड़ी आवभगत करते रहे। अच्छा, बिल्कुल, वो बड़े यादगार लम्हात हैं हमारे पूरे कैरियर के। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, उसको मज़ीद भी बात करेंगे। नदा जी, ये बताइएगा कि आप ईद वाले दिन तो ट्रेनिंग नहीं करती हैं? ईद वाला दिन ऑब्वियसली एक एक्सेप्शन होता है, जाहिर सी बात है, वो फैमिली के साथ हमारा ये होता है कि टाइम स्पेंड हो जाए। कितना, चूँकि ख़वातीन के ऊपर दोहरी तहरी जिम्मेदारी होती है कि एक तो आपने ख़ुद तो अपना ख्याल रखना ही रखना है, लेकिन ईद वाले दिन तो सारा का सारा पूरा घराना जो है वो देख रहा होता है, हाँ जी क्या पक रहा है, क्या आ रहा है, क्या। बिल्कुल ऐसे ही, आई थिंक ईद वाले दिनों पे ना आप सिर्फ खाना का परहेज़ थोड़ा सा आप कर सकते हैं, और जैसा हमारा वो इनटेक होता है फिर उसके बाद ट्रेनिंग दोबारा शुरू। अच्छा, कि कोई खाने में ख़ास चीज़ आप तैयार करते हैं घर वालों के लिए, और ईद का वैसे दिन कैसा गुजरता है, वक्त कैसे गुजरता है? यूजुअली ईद के दिनों पे मैं यूजुअली मेरा जोर होता है नाश्ता पे। अच्छा, क्योंकि वो होता है मेरा फेवरेट मील ऑफ द डे, तो यूजुअली नाश्ता रिलेटेड आइटम्स मैं तैयार करती हूँ। कोई जिस तरह मेरा हस्बैंड बहुत पर्टिकुलर होता है, तो प्रोटीन पैनकेक्स और इस तरह के, और एग्स आप समझ लें, जिस तरह भी पोस्ट आप फ्राइड कर लें, जो भी ट्रेडिशनल रहते हैं या थोड़ा हटते भी हैं। मैं खुद ज़रा ट्रेडिशनल से हट के बनवाती हूँ, ज़रा थोड़ा फ़र्क किस्म का, क्योंकि मैं तो ज़्यादा तो और बाहर रही हूँ, और मगर मुझे जो है ना ट्रेडिशनल डिशेस पसंद तो होता है, मैं खुद नहीं तैयार करती हूँ, मैं तो सैलड्स और इस तरह की चीज़ें जो है ना तैयार करती हूँ। पाकिस्तान से बाहर जो ईद होती है और जो पाकिस्तान में ईद होती है, फ़र्क क्या है? इतना फ़र्क नहीं है, जिस तरह ताहिर साहब ने भी आउटलाइन किया है। मैं तो जब बाहर होती थी तो बाकी हमारे जो पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट कम्युनिटीज़ थे उनके साथ ईद गुजरता था, और बड़ा मतलब इस तरह महसूस ही नहीं होता था कि आप मतलब कोई चीज़ मिसिंग है, तो बड़ा अच्छा गुजरता था। अच्छा गुजरता। तैयब रज़ा साहब, कैसी गुजरती है ईद, अखाड़े जाते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अखाड़े ईद वाला जो दिन है हमारे, जो अगर पुराने आप देखें पहलवान जो है वो अखाड़े में खलीफे जो हैं वो जाते थे पहले। अच्छा। ना बच्चों को सुबह की एक्सरसाइज करवा के फिर वो ईद में शामिल होते थे, लेकिन ना हमारे जो वाले साहब हैं उन्होंने हमें सिखाया कि नहीं बेटा, ईद का दिन जो है वो एक मखसूस दिन है। हाँ। उसे आप ईद को सेलिब्रेट करें अच्छे तरीके से, क्योंकि ईद में मिलना होता है साल बाद, कह लें कि आप जो रिलेटिव्स हैं फैमिली के जिनसे कभी मुलाकात नहीं हो पाती, तो वो फिर एक गेट टुगेदर बन जाता है, तो उस दिन जो है वो मैं समझता हूँ। कितनी छुट्टियाँ वैसे कर लेते हैं ईद पे आप? ईद पे एक दिन की, एक दिन की होती है। अच्छा ताहिर साहब, ये जो आप लोग खेला करते थे ईद के, जब बाहर हैं तो फिर तो जाहिर सी बात है ट्रेनिंग मिल मिला के आपने मैचेस के लिए चले जाना ना, मैच के लिए चले जाना या ट्रेनिंग के लिए चले जाना है, तो जब पाकिस्तान में आप रहे, जब खेला करते थे तो ट्रेनिंग ईद वाले दिन किया करते थे? नहीं, ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन ये पहले बड़ी ट्रेडिशन रही है, क्योंकि बेसिकली मेरा गोजरा से ताल्लुक है, गोजरा से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे तो ये ट्रेडिशन रही है कि सारे, क्योंकि जो कोई दूसरे शहरों में भी कोई नौकरी के लिए गया हुआ है या वैसे कहीं काम करता है या माइग्रेट करके दूसरे शहरों में रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन ईद के लिए वापस अपने भाई गांव आते हैं। हमारी भी यही ट्रेडिशन है कि गोजरा वापस जाते हैं ईद वाले। हाँ जी, बिल्कुल जाता हूं। अच्छा, यानी कुछ वक्त यहां गुजारेंगे फिर वापस चले जाएंगे। जी बिल्कुल, सारी फैमिली वहां इकट्ठी होगी और ईद के दो दिन बाद फिर अपने अपने जगहों पर चले जाएंगे। मैं कहने ये जा रहा था, जैसे आप कह रहे हैं ईद के दिन तो नहीं, लेकिन ईद के अगले दिन स्पेशली एक मैच रखा जाता था हमारे शहर में गोजरा में। अच्छा, सारे पुराने यार दोस्त इकट्ठे हुए हुए हैं, अगले दिन मैच खेलते हैं, तो उसको ईद की खुशियों को दुबला करेंगे। अब नहीं मुझे आइडिया, क्योंकि काफी सालों से मैं गोजरा से बाहर हूँ, लेकिन वहाँ पे मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा अभी, क्योंकि पहले से जो मतलब ये कि आप उस दौर की बात कर रहे हैं कि जिस दौर में हॉकी ईद जो खुशियाँ हैं, हॉकी ईद के मौका पर भी लोगों को खुशियाँ देती है। ऐसा ही है, क्योंकि कुछ रिलेटिव्स लोगों के आए हुए होते थे, आपको पता है कि हमारा शहर मशहूर है इंटरनेशनल प्लेयर्स को प्रोड्यूस करने के लिए, सो उनके लिए एक चाम होता था कि शाम को ग्राउंड पे जाएंगे, सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी इकट्ठे होंगे, आज मैच होगा।
तो उनके लिए एक एंटरटेनमेंट का मौका बन जाता था, हमारे लिए ये था कि सब दोस्तों से मुलाकात हो जाती थी। अभी भी करते हैं, मेरे ख्याल अब ईद के दूसरे दिन तीसरे दिन पर शिफ्ट हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी भी ये ट्रेडिशन चल रही है। नदा जी, ये जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में बॉक्सिंग के हवाले से, तो आपको लगता है वाकई आज के दौर में भी कुछ सहूलत नहीं है उतनी ज़्यादा लड़कियों के लिए, स्पेशली ये ज़रा थोड़ा मुश्किल गेम है? जी जी, आई वुड से सो, इस बात पे मैं एग्री करती हूँ। आई थिंक इतना लड़कियों को ख़ास तौर पे न्यूट्रिशन और जो बाकी आपकी मतलब फीमेल रिलेटेड इश्यूज, उस पर इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। और मेरे ख्याल से इन तरह की चीज़ें पे थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए। रूटीन क्या होती है आपकी ईद के दिन में, क्योंकि आपके घर में तो खासा आप होस्ट होते होंगे काफ़ी सारे लोगों के? जी जी, अक्सर हम होस्ट करते हैं, सुबह ऑब्वियसली इबादत करते हैं, नमाज ईद का हम पढ़ते हैं, हमारी एक घर का ट्रेडिशन होता है। उसके बाद हम इकट्ठे होते हैं, नाश्ता करते हैं, एक ओपन हाउस टाइप रख लेते हैं, हमारे रिश्तेदार आते हैं और उनसे टाइम स्पेंड करते हैं और बस बच्चों के साथ भी, और इसी में हम बिज़ी रहते हैं। जी बिज़ी रहते हैं। तैयब रज़ा साहब, ये जो जैसे अभी ताहिर साहब ने बताया कि इनके यहाँ तो एक गोजरा में एक फेस्टिवल मैच रखा जाता था, तो कोई फेस्टिवल कुश्ती भी होती है इसके दूसरे तीसरे दिन? जी बिल्कुल, अगर आप बहावलपुर वाली साइड पे देखें तो वहाँ लाखों की तादाद में शायकीन पाए जाते हैं, और अगर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कुश्ती जिंदा है तो वो सिर्फ बहावलपुर और मुल्तान वाली जो साइड के लोग हैं उनकी वजह से जिंदा है। अच्छा। तो वो कुश्ती के इस कदर शौकीन होते हैं कि वो ईद के अगले दिन भी, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने ईद वाले दिन भी दंगल रखे होते हैं। ईद वाले दिन भी दंगल रखे जी होते बिल्कुल हैं। और जो उधर के लोग हैं रहायशी जो हैं, उनका कह लें कि इंटरटेनमेंट या ईद को अच्छे तरीके से गुजारने के लिए वो दंगल देखने जाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा आप कह लें मतलब ये भी एक मतलब जो त्यौहार है उसका उसकी जो खुशियाँ वो दुबला करते हैं। आपकी ईद कैसे गुजरती है, आप ज्यादा गाना तो नहीं गाती ईद वाले दिन? यूजली फैमिली गेट टुगेदर्स ही होती हैं और अच्छा। उसमें हमेशा मुझसे गाने ज़रूर सुनते हैं क्योंकि, अच्छा। क्योंकि फैमिली में गिटार जो बजाते हैं वो भी मतलब म्यूजिकल माहौल है बहुत ज़्यादा। अच्छा। फैमिली में सबको ही म्यूजिक बहुत पसंद है और गाते भी हैं, तो पर मैं सीख रही हूँ अब ज़रा, तो आई एम लर्निंग, तो होपफुली बस ऐसी चलती है ईद हमारी। अच्छा, ऐसी चलती रहती है। ताहिर साहब, बचपन की ईद याद आती है आपको? जी बिल्कुल आती है, क्यों नहीं आती, क्योंकि अब उस फेज से गुजर के फिर सेकंड फेज में आए, थर्ड फेज में डिलीवरिंग एंड पे आ गए हैं। हाँ। लेकिन वो ईद सबसे अच्छी होती थी कि जब इस चीज़ का इंतज़ार करना कि बाज़ार जाएंगे बड़े लेके और शॉपिंग करेंगे, अपनी पसंद की चीज़ें खरीदेंगे, नए जूते खरीदेंगे और नए कपड़े खरीदेंगे, और इसके अलावा फिर ईद वाले दिन जो सारे बड़े रिलेटिव्स हैं वो आएंगे और उनसे ईद ही लेनी है, कुछ तो खुद ब खुद दे देते हैं और कुछ के पीछे नहीं नहीं मुझे ये चाहिए, तो वो उससे बेहतर टाइम नहीं हो सकता जो बचपन का होता है ईद वाला। लेकिन अब भी खुशी होती है कि जब हमारे बच्चे या रिलेटिव्स के बच्चों के साथ हम मिलते हैं तो उनको ईदी दे के भी खुशी होती है, ये इसका भी एक अपना ही मज़ा है। लेकिन यह है कि ईद का मौका एक ऐसा मौका है कि जहाँ पे सारे फैमिलीज इकट्ठी होती हैं और इकट्ठे होने के बाद फिर एक दूसरे को कुछ अरसे के बाद मिले होते हैं, रूटीन में मिलना नहीं होता, तो वो एक ऐसी खुशी है, एक ऐसा एहसास है कि एक दूसरे को बंदा जो है ना वो फिर प्रेज़ करता है कि हाँ यार ये ऐसा मौका बना है। फिर मैं समझता हूँ कि ईद के कुछ दिनों बाद तक ये फिर सिलसिला फैमिलीज़ में चलता रहता है। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि आना जाना लगा रहेगा, एक दूसरे का घर जो है वो विज़िट करते हैं, तो एक अच्छा मौका है, अच्छा त्यौहार है और सबको खुशी का एहसास होता है। नदा जी, ये शॉपिंग है, ख़वातीन और शॉपिंग तो लाजम मलजूम है, आप ईद की शॉपिंग बच्चों के साथ करती हैं या किस तरह से, या फिर जब बाहर जाती हैं वहीं से ले आती हैं चीज़ें? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बच्चों को लेके नहीं जाती हूँ क्योंकि वो तो एक नाइटमेयर सीन होता है। अच्छा। मैं एक्चुअली सबको गिन के मैं वो पहले लेती हूँ ईद। अच्छा। इनकी आउटफिट्स। अच्छा। और वो सारा, और ईद के दिन में ऑब्वियसली ईदी भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, और मैं तो बच्चे वैसे ज़बरदस्ती करते हैं ईदी? नहीं मामा, कभी 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 वो हाँ। अपने नोट्स गिन लेते हैं, कंपेयर करते हैं अपने। अच्छा। पप्पो कितनी दिया है, अच्छा चाची ने कितनी दी, और पूछते भी हैं तो ऑब्वियसली, बट बड़ा मतलब अच्छा माहौल होता है, इट्स वेरी नाइस, वेरी वार्म। तो बच्चों को देखना जब वो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के
जो ईदी है वो गिन रहे हैं, इंजॉय तो करती होंगी फिर? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, आई मीन एक ये हमारा वाहिद मतलब फेस्टिवल और ये आप समझ लो स्पेशल ओकेजन होता है जिनमें ऑब्वियसली ठीक है, मतलब ये एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है जी, अगर आप यहाँ पर सुनते हैं तो एक खुशी है कि आप एक वक्त ऐसा होता है आपकी ज़िंदगी में कि आप ईदी ले रहे हैं तो उसमें आप खुशी महसूस कर रहे हैं, फिर आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है कि जब वो चीज़ आप आगे अपने बच्चों को या अपने जो भांजे हैं भतीजे हैं रिश्तेदार हैं वो आपके पास आते हैं तो आप जब उनको तकसीम कर रहे होते हैं तो वो भी खुशी का लम्हा, तो ये खुशियाँ हैं छोटी छोटी हैं, इनको बड़ा बड़ा समझा जाए तो यकीनी तौर पर बड़े बड़ी लगेंगी। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक वक्फे का, वक्फे के बाद आएँगे और फिर अपने इन मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जोर का जोड़ ईद स्पेशल, ईद का समा है, आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। हमारे पास यहाँ पर ताहिर साहब मौजूद हैं, हमारे सब पास नदा परवेज़ हैं, तैयब रज़ावान हैं, सजाद ताफू साहब बड़ा अच्छा गिटार बताते हैं और किरण बहुत अच्छा गाती हैं। आगाज़ प्रोग्राम को उन्होंने किया है एक बड़े ही अच्छे सुरीले गाने के साथ, मैडम नूर जहाँ की याद उन्होंने दिलाई है। लेकिन अब अगर आपसे कहा जाए कि आपका अपना पसंदीदा कोई गाना जो आपको बहुत पसंद हो या फिर कोई भी आपकी पसंद हो या ईद आपकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। जी बिल्कुल, अहमद जाजेब का जो रीसेंट गाना है जो बहुत ही पॉपुलर हुआ है आजकल, मैं वही सुना देती हूँ। हाँ, आप सब अच्छा, मेरे साथ सबका फेवरेट है जी, सबका ही फेवरेट है वो। हाँ। तो आप लोग मेरे साथ गाएंगे ना? जी जरूर, चलें चलें। नूरे जहां नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर लूं सौ जन्म मैं, चाहे हो जो भी भला, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तो मेरी जान नजर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार अमर। वाह वाह वाह, जबरदस्त, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये जब आप लंबे लंबे टूर करते थे तो किसको सुनते थे ताहिर साहब? टू बी ऑनेस्ट, नुसरत जी को बहुत सुनते अच्छा? थे। हाँ जी, मेहंदी हसन साहब को बहुत सुनते थे। अभी तो माशाल्लाह इतने इतने नामवर सिंगर आ गए हैं, और लेटली सजाद अली साहब को बड़ा सुनते रहे अच्छा? और ये एक बड़ा टिपिकल सा मोमेंटम होता था हमारी टीम का कि जब कभी भी हमने होटल से वेन्यू के लिए जाना है बस में या कोस्टर में, तो मैं अपनी सिलेक्शन जो है ना वो उस वक्त कैसेट्स भी होती थी, फिर सीडीज आ गई, अब तो मेरा मतलब डिजिटल दौर आ गया कि यूएसबी लगाई या कनेक्ट किया ब्लूटूथ चलता है, तो वो यही होता था हर किसी ने देखना ताहिर देना जरा वो अपनी सीडी या जो भी हो कैसेट जो भी है, मेरी सिलेक्शन को एडमायर करते थे अच्छा। सो वो जो 35 मिनट कभी 25 मिनट या 30 मिनट कभी इससे ज़्यादा का भी सफ़र होता था कि वेन्यू तक पहुंचने में जो लगता था हमें टाइम, वो फिर हम म्यूज़िक सुन के ही जाते थे अच्छा। म्यूज़िक से ये होता है कि एक तो आप साइकोलॉजिकली अब यू स्टार्ट फीलिंग एट ईज़, ठीक है, आपका जो स्ट्रेस का लेवल है वो कम हो जाता है, आप दूसरी जगह पे चले जाते हैं जहां आपको अच्छा लगता है, जो फ्रेम ऑफ माइंड है ना आपका वो टोटली चेंज हो जाता है, ना कि आप गुमसुम बैठे हों और मैच के मतलब सोचते रहें ये ना हो जाए वो ना हो जाए, उससे स्ट्रेस जो है इंक्रीज होती है। सो म्यूजिक से बंदा थोड़ा अपने आप को लाइटन अप करता है, तो इस यही एक तरीका था। इतनी मेरा मतलब वक्त भी अच्छा गुजर जाता ना फिर। हाँ, वक्त भी अच्छा गुजर जाता था और थोड़ा सा मेंटली भी रिलैक्स और फोकस हो जाते थे। ठीक है, ये तो टीम गेम है ना हॉकी नदा, ये तो बॉक्सिंग तो टीम गेम नहीं है। टीम गेम नहीं है, बट जिस तरह इसने कहा है एक्चुअली म्यूज़िक जो है ना मैच से बिल्कुल खेलने से पहले हम यूजली सुनते हैं वही टू रिलीव स्ट्रेस, और आपको ज़रा थोड़ा आपका गेम और इन द जोन आप आएँ और ज़रा फोकस और रिलैक्स रहें जस्ट बिफोर कॉम्पिटिशन, तो काफ़ी इट डेफिनेटली हेल्प्स। अच्छा, एक तो ये हो गया ना कि म्यूज़िक के हवाले से, दूसरा ये कि ये तो एक दूसरे को मोटिवेट कर लेते हैं अगर कोई टीम गेम में है ना, मतलब 11 लोग हैं, 4, 5, 6 उसके साथ होंगे, फिर उनका सपोर्ट स्टाफ होगा, बॉक्सर कैसे मोटिवेट करता है अपने आप को, अकेले से अपने आप से बात करता है?
आई सपोज, और दूसरी बात यह कि जब आप कम्पीट कर रहे हैं, आपके जो कॉर्नर में जो आपके टीम होते हैं ना, आपका कोच होता है, वो आपके सिंपल इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं, वे आपको मोटिवेट भी करते हैं. और दूसरी बात यह कि इट्स डेफिनेटली इट्स अ वेरी डिफरेंट स्पोर्ट, और आपको ऑब्वियसली खुद अपने आप को ज़रा मोटिवेट करना ही पड़ता है. करना ही पड़ता है. तो ये रज़ा अवान साहब, ये चूँकि किरण साहब यहाँ पर हैं, सजाद ताफू साहब हैं, नुसरत फ़तह अली ख़ान साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, आप उस दौर में तो नहीं हैं, लेकिन आप क्या सुनते हैं फिर? हमारा जो खेल है वो मिट्टी से जुड़ा हुआ, और हम सूफीज़म के बहुत ज़्यादा करीब हैं. अच्छा. तो हम ज़्यादातर सूफीज़म से रिलेटेड ही सुनते हैं. आबदा परवीन साहिबा जो हैं, अच्छा, उनको ज़्यादा सुनते हैं. और एक रूना लैला जी हैं, वो बहुत अच्छी जो है शायरी है वो अपनी वो गज़ल में करती हैं, तो वो उन्हें सुनते हैं. तो ये है कि इवेंट से पहले या हम अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसके दौरान भी जो है इनको सुनते हैं, और आप कह लें कि हमारा जो ट्रेनिंग में हम मगन रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं. ताफू साहब, आप किसको सुनते हैं अपने अलावा? ताफू साहब खुद को सुनते हैं. देखो जी, ये 7 और 5, 12 सुर पूरी दुनिया में है. अच्छा. या तो मैं सुनता हूँ सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा या जैज म्यूजिक या पाकिस्तानी इंडियन क्लासिकल. अच्छा, पाकिस्तान इंडियन. तबला, सरंगी, उधर से जैज पियानो, सैक्सोफोन और सिम्फनी, ये मोजार्ट. क्योंकि पूरी दुनिया में सुर तो वही है, मौजदा है. बाकी कंट्री अलग हैं, लैंग्वेज अलग हैं, शक्ल अलग हैं, लेकिन म्यूज़िक का मौजदा है कि वही 7 सुर हैं जिसमें 2 रिखब 2 गंदार 2 देवर 2 निखार 2 निखार तो 12 बन जाते हैं. 7 नेचुरल, बाकी 5 शार्प 5 फ्लैट. प्रॉपर इल्म मौसीकी जो मैं पढ़ाता हूँ अलहमरा में, तो मैं क्लासिकल भी लिखता हूँ, नीचे मैं इंग्लिश में लिखता हूँ कि इंग्लिश में क्या बनते हैं कॉर्ड, और दरबारी होगा तो नेचुरल हमारा. अच्छा, क्या आपको खुद कुछ सुनने में क्या पसंद है गिटार पे? अगर आप कहेंगे आपका अपना दिल कर रहा है कुछ सुनने का, तो क्या सुनाएंगे? ये भी तो एक चीज़ है ना. है तो ये वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन मैंने जो जो मेरी यहाँ से मंजूरी हुई बुज़ुर्गों, बाबा बुले शाह का कलाम बजा के या अपना सूफी, तो मैंने इसलिए चेंज मारा, जो मैं अमेरिका में नॉर्वे जाके मुझे ये हर साल बजाना पड़ता है, वो सूफी सुनते हैं. तो मैं सुनाए जरा, अल्लाह हू सुनाता हूँ. हाँ. शहबाज सीनियर साहब क्या सुनते थे जी? वो भी नुसरत को बहुत ज़्यादा सुनते थे. जैसे अभी तैयब ने बात की ना स्पिरिचुअलिटी की या सूफीज़म की, मैं थोड़ा सा अगर इस यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, हमारे पास 94 वर्ल्ड कप से पहले जब हम सिडनी गए, हांस जोरिट्समा होता था डच कोच, वो बड़ा कश्मकश में रहता था जब वो देखता था कि लड़के 4 बजे उठ रहे हैं और फजर की नमाज पढ़ रहे हैं, 7 बजे इन्होंने 6 बजे दोबारा ट्रेनिंग करनी है, इनका नींद जो स्लीपिंग आवर्स हैं वो कंप्लीट नहीं होते. वो शुरू में क्योंकि गोरा था वो इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लेता था, लेकिन हमने उसको, शहबाज ने स्पेशली और हम जो सीनियर कुछ लोग थे, हमने उसको समझाया कि ये इस चीज़ को आप ना छेड़ो, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल और रिलीजियस मैटर है, इससे हमें स्ट्रेंथ मिलती है, इससे हम एनर्जी लेते हैं, इससे हमारा फोकस बढ़ता है.
तो आप इसके ऊपर ना कहो कि हमारे स्लीपिंग आवर्स पूरे नहीं होते, तुम अभी आए हो ना, हम 10 साल से पहले से हॉकी खेल रहे हैं, वी हैव बीन डूइंग द सेम रूटीन और इसके साथ ही हमने परफॉर्म किया आज से पहले भी जो भी किया है। तो पहले तो वो परेशान होता था इस चीज़ से, जब हम वर्ल्ड कप सिडनी में गए हैं तो वो खुद उठता था और पूछता था यार नमाज नहीं पढ़ी तुम लोगों ने, वो इतना कनेक्ट हो गया था। जब हम चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर में 94 में जीत गए, उसके बाद उसको इतना बिलीव आ गया, हालांकि वो मुसलमान नहीं था, कि यार ये वाकई सही कहते हैं कि इससे एनर्जी लेते हैं और इनका फोकस बढ़ जाता है नमाज पढ़ के। तो वो उठ के बाकायदा पूछता था वर्ल्ड कप में सिडनी में कि आप लोगों ने नमाज पढ़ ली है सब ने। तो मेरा मतलब ये अल्लाह ताला की तरफ से बींग ए मुस्लिम हमारा बिलीव भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। सो ये जो सूफीज़म है या जो स्पिरिचुअलिटी है, ये आपको कहीं ना कहीं सीधी डायरेक्शन में लेके जाती है जहाँ से आपका फोकस बढ़ जाता है और हमारा बिलीव ये है एज ए मुस्लिम कि फिर अल्लाह ताला की जो बरकत है इसमें शामिल, अल्लाह ताला की बरकत उसमें शामिल होती है। नाज़रीन कराम, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक वक्फे का, वक्फे के बाद आएंगे और फिर अपने इन मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ज़ोर का जोड़ ईद स्पेशल, ईद का समा है आपको एक मतलब फिर हम खुश आमदीद कहते हैं। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान में खेलों के उन मारूफ शख्सियात के साथ जो कि अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान के लिए इन्होंने नाम रोशन किया है मुख्तलिफ खेलों में और पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए एक तहरीक भी हैं। इनकी ईदें कैसे गुजरती हैं, यहाँ पर म्यूज़िक भी हो रहा है, किरण की आवाज़ बहुत अच्छी है, ये यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम चाहते हैं इनकी इस आवाज़ से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए। ताफू साहब बड़ा अच्छा गिटार बजा रहे हैं साथ साथ ना, तो वो उनको कंप्लीमेंट कर रहे हैं साथ बड़े अच्छे तरीके से। अच्छा कॉम्बिनेशन है ना, अच्छा कॉम्बिनेशन है ना, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ी अच्छी आपको साथ साथ रसमलाई और शीर खुरमा बना हुआ कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बना हुआ है क्योंकि मेरे लिए तो बहुत ऑनर की बात है। अच्छा कुछ सुनाएंगी जी? बिल्कुल, क्योंकि नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की इतनी बात हो चुकी है तो उनका एक गीत है जो मुझे बहुत ही पसंद है, जो उन्होंने नूर जहाँ के साथ गाया था और उन्होंने कंपोज भी खुद किया हुआ है, तो मैं सुनाना चाहूँगी आप लोगों को। तेरे तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने, रोवा ते लावा तेरा नाम आ मेरे सजन, किथे जावा आवे ना किते मैनू चे तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने, अखा ने वेखिए तेरी रात हो दूर वे लमिया जुदाया से के, अखा ने वेखिए तेरी रा तू हो दूर वे लमिया जुदाया के, किथे गयो दिन किथे गईया ने ओ राता, हंजुआ च भिज गईया कई बरसाता, चंगा ने किता तोड़ के क्या बात है किरण साहब, वाह वाह। अच्छा किरण, ये चूँकि अब हम थोड़ी बहुत साथ में खेल की बात करते हैं, क्या 2024 में आपको लगता है कि कुछ करना चाहेंगी आप? बॉक्सिंग में नेशनल चैम्पियन है, मुख्तिफ किस्म के और भी इवेंट्स आते रहते हैं, इंशाल्लाह एक वो मैच आने वाला है मई इंशाल्लाह थाईलैंड में, तो क्वालिफाइंग राउंड्स होंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसमें मैं कम्पीट कर लूँगी एंड विल सी। ये कितना वैसे मुश्किल होता है कि आप फैमिली लाइफ है आपकी, बिल्कुल बच्चे भी हैं, मियाँ भी हैं, बाकी सारे
वालदा भी हैं, फिर मियाँ के वालद वालदन भी हैं सारे, इसमें कितना मुश्किल होता है कि अपनी एक, चूँकि ये आपको 2-3-4 घंटे की तो ट्रेनिंग करना पड़ती है रोज़ाना? जी जी, रोज़ाना मैं अपना टाइम बहुत स्केड्यूल और रेजिमेंट रखती हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट, तो मेरा बस टाइम ही होता है कि मैं फैमिली को टाइम देती हूँ, अपना ट्रेनिंग का टाइम देती हूँ, और बस बहुत फास्ट पेस्ड है और सब कुछ, मतलब बड़े डिसिप्लिन से मैं वो फॉलो करती हूँ एवरी डे। 4-5 काम आप करती हैं एक दिन में, वो कैसे करती हैं? ये इसी तरह टाइम टेबलिंग, अच्छा। मेरा वो टाइम सेट, रूटीन सेट होता है, मेरा जिम का जो मतलब स्लॉट होता है वो कोई छेड़ ही नहीं सकता, और अगर बीच में ट्रेनिंग में इंटरप्ट भी हो जाए तो आई मेक श्योर कि उसका टाइम जो है ना मैं किसी और टाइम पे मैं वो कंप्लीट कर देती हूँ। आसान नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। One must be very disciplined. Absolutely. The way she is keeping up, it is not an easy job actually. हाँ जी, तैयब साहब, कोई पहलवानों के लिए इस साल में क्या है? जी इंशाल्लाह ताला अभी ईद के बाद बस नेशनल चैम्पियनशिप है रेसलिंग की इंशाल्लाह ताला, और नेशनल चैम्पियनशिप जुडो की है, और इंशाल्लाह ताला वो खेलेंगे, और उसके बाद इंडो पाक चैम्पियनशिप हो रही है दुबई के अंदर, तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे और इंडो पाक चैम्पियनशिप का जो है गोल्ड मेडल हासिल करेंगे। गोल्ड मेडल हासिल करेंगे जी इंशाल्लाह। पाकिस्तान में आपको लगता है कि गुज़िश्ता 3-4-5 बरस में अगर देखते हैं तो ये रेसलिंग में खासा टैलेंट सामने आया है, तो ये इसको कैसे मज़ीद ऊपर जा सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप देखें कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है 75-76 साल, उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है हमें रेसलिंग ने मेडल दिए हैं, तो इंशाल्लाह ताला अभी आप पिछले 10 साल में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा रेसलिंग ने अचीवमेंट्स हासिल की हैं, और मैंने जैसे कि ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल हासिल किया, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह और भी ममालिक से मेडल्स हासिल किए हैं, तो रेसलिंग के लिए अभी हुकूमत ने भी काफ़ी अच्छे बजट दिए हैं पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन को, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन जो है वो अपने जो अच्छे एथलीट हैं उनको इंटरनेशनल मेयार का जो है कैंप देंगे, और डिफरेंट कंट्रीज़ में जो वर्ल्ड चैम्पियन लड़के हैं, ये एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट लड़के हैं, अगर उनके साथ ट्रेनिंग करने का मौका दें, ताकि हमें हम कंपैरिजन कर सकें कि हमें क्या कमी है और वो क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो अगर आपको एथलीट्स जो हैं, मैं फिर भी समझता हूँ कि हमारा जो गोल है वो ओलंपिक्स है, उसमें से मेडल हासिल करना चाहिए, तो वो इस हम एशियन गेम्स ज़्यादा मुश्किल नहीं है रेसलिंग के हवाले से? बिल्कुल बिल्कुल, एशिया में सबसे ज़्यादा जो रेसलर्स टफ हैं, अगर आप मंगोलिया देखें उसके आउट क्लास किस्म के रेसलर्स हैं, ईरान बहुत अच्छा है, अभी इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, इंडिया ने भी तरक्की कर ली एशिया के अंदर, और चाइना ने भी बहुत अच्छी तरक्की, चाइना ने भी तरक्की कर ली जी बिल्कुल, चाइना में पहले कह लें कि ज़रा छोटी हाइट के रेसलर थे, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं थे कर रहे, लेकिन अब आप देखें उनके 6 फीट के हाइट के जो रेसलर आ रहे हैं और बड़ा अच्छा एशिया में परफॉर्म कर रहे हैं, और पिछली दफ़ा अगर आप देखें ओलंपिक्स के अंदर जो औरतों की रेसलिंग थी, वुमेन रेसलिंग, उसके अंदर 6 में से 5 गोल्ड मेडल जापान ने हासिल किए ओलंपिक्स गेम में से, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और एशिया में ज़्यादा मुश्किल है। अब हम इख्तिताम की तरफ, ताहिर साहब, ईद के मौके पर क्या पैगाम क्या देंगे आप पाकिस्तान के लोगों को जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी हैं? पैगाम ईद की मुनासबत से यही है कि एक दूसरे की जो है वो रिस्पेक्ट करें, और हमें हमारे मुल्क को हम ऐसे हालात से गुजर रहे हैं जहां हमें ज़रूरत है कि एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की इज़्ज़त बढ़ाएं, एक दूसरे की इज़्ज़त घटाएं नहीं, और मैं ये कहूँगा कि ग्लोबली हमारा जो एक इम्पैक्ट है पाकिस्तान का दुनिया में, वो स्पोर्ट्स की वजह से जाना जाता है। मुझे वो दिन नहीं भूलते कि जब हम कभी किसी भी एयरपोर्ट की इमिग्रेशन को पास कर रहे होते थे तो वो पाकिस्तान का जब वो ब्लेज़र के ऊपर पॉकेट देखते थे तो वो साथ ही एक्शन करते थे हॉकी। सो मैं समझता हूँ दुनिया में पाकिस्तान के नाम को स्पोर्ट्स ने बहुत ऊपर पहुँचाया, और अभी भी हमें बहुत वर्थ है कि एक अगर कंसिस्टेंट अप्रोच के साथ हम स्पोर्ट्स को लेकर चलें, जैसे अभी आप रेसलिंग की बात कर रहे हैं, वो मेल हो या फीमेल हो, किसी भी स्पोर्ट्स को ले लें, जब उस प्रोसेस की कंटिन्यूटी रहेगी और उनको इंटरनेशनल लेवल्स की हाई परफॉर्मेंस प्रैक्टिस आप प्रोवाइड करेंगे, हम नाम कर सकते हैं। सो ईद की मुनासबत से ये दुआ भी है और उम्मीद भी करते हैं कि हम एक दूसरे की इज्जत बढ़ाएं, पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करें। नदा, आपका क्या मैसेज होगा ईद पर? आई थिंक मैं भी इसी बात पे मैं वो टच करना चाहूँगी कि एक दूसरे को सपोर्ट करें, रिस्पेक्ट करें,
और पॉजिटिव रहें पाकिस्तान के बारे में स्पेशली, और इन स्पोर्ट्स डिसिप्लिनस की तरह सपोर्ट करें, देखें, इन्वेस्ट भी करें. आई वुड से कि औरतों के लिए स्पेशली कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है. अगर फैमिली भी मतलब आपने परस्यू करना है या अपना कोई स्पोर्ट्स डिसिप्लिन परस्यू करना, आई थिंक के अपना जो माइंडसेट थोड़ा खुला रखना चाहिए. तैयब साहब. जी, मैं रेसलिंग से रिलेटेड ही कहूँगा कि हमारी जो मैट रेसलिंग है वो मैट जो है वो 20 से 25 लाख का है, लेकिन हमारी जो मैट रेसलिंग के लिए जो प्लेयर्स हैं वो कह लें कि मट्टी पे ज़्यादा रेसलिंग करते हैं. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना चाहिए, जहाँ हम हुकूमत से चाह रहे होते हैं कि वो प्राइवेट सेक्टर भी अपना किरदार अदा करे, हुकूमत भी अपना किरदार अदा करे, ताकि पाकिस्तान के रेसलर ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करें, अच्छा परफॉर्म करें. हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ताफू साहब जाते जाते आखिर में आपने को बड़ा अच्छा सा गिटार बजाना है. जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया. ईद की खुशियाँ आपको एक मरतबा से फिर बहुत बहुत मुबारक हों. हाफिज़ मोहम्मद इमरान जोर का जोड़ की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है. जाते जाते ताफू साहब, गेंद आपकी कोर्ट में है.